Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Queen with Happiness. कि आज की लेटेस्ट वीडियो में आपसे वीडियो शेयर करूंगी पाकिस्तानी फेमस अदाकारा हीरा मानी के हवाले से। आपको बताते चलूं कि पाकिस्तानी फेमस अदाकारा हीरा मानी ने अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो पोस्ट करके अपने तमाम मदाहों से और मेहदी अली काजमी से माफ़ी मांग ली। आखिर माफ़ी क्यों मांगी, आइए आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। आपको बताते चलूँ कि दो रोज़ पहले ही पाकिस्तानी अदाकारा हीरा मानी ने अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि जहीर और दुआ कभी भी अलग ना हो और हमेशा साथ रहे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इनकी स्टोरी लगाने से लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बता चलें कि पहले ही एक अदाकारा जुनैरा महम भी इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके बाद लोगों ने ये कहा कि हीरा मानी भी इस केस में इन्वॉल्व है। बहुत से लोगों ने खरी खोटी सुनाने के बाद हीरा मानी के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया, जिसके बाद हीरा मानी ने लाइव आकर अपने तमाम मदाओं से और मेहदी अली काजमी से माफ़ी मांग ली, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि वो कोई इस तरह की बात करे। लेकिन उनको ये लगा कि एक वाक्य ही दुआ और जहीर ने पसंद की शादी की, जिसकी वजह से उनका कहना था कि उन दोनों को एक साथ खुश रहने दिया जाए। लेकिन जब लोगों ने इस तरह की बात की तो उनको एहसास हुआ कि वो गलती कर चुकी हैं और उन्होंने फौरन ही अपने तमाम मदाहों से और मेहदी अली काजमी से माफ़ी मांगी। आइए वीडियो में देखते हैं। ये मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होता, तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुंची है। इनफैक्ट मुझे भी पहुंची है जब मुझे पता चला कि दुआ जहरा का केस क्या है। जब मानी ने मुझे सारा बताया, बिठाया, दिखाया, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई उनके पेरेंट्स के लिए कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। और डेफिनेटली मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी या अभी मैं हूँ परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नर्चर हूँ और मैं वन टू वन बात करना चाहती हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जो मेरे करीबी लोग भी हैं। उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज़ हुए और उनका ये तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हीरा मानी रो रही थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इंसान जिस भी अहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं